MS Dhoni retired as one of India's most successful captains, winning 3 ICC titles. He is still active in the IPL, captaining the Chennai Super Kings, and has won 4 titles so far. There have been rumors that Dhoni may be playing his last IPL. But Dhoni said he has ample time to decide, because the next IPL auction will be in December this year. Dhoni's fans love him. When NNIS asked the fans about Dhoni's likely retirement from IPL, they say Dhoni play on in IPL for 1 to 2 years. नहीं मेरा मानना ये है कि अभी धोनी को और खेलना चाहिए. धोनी के चाहने वाले बहुत हैं और मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. तो मैं ये चाहूँगा कि फाइनल धोनी फाइनल जीते और आगे भी खेलते हैं. आई थिंक धोनी को और खेलना चाहिए जब तक उनके पास पावर है. जब तक सही चल रहा है तब तक वो चलाना चाहिए, फिर आगे यंगस्टर को मौका दे. अच्छी बात है, बाकी जब तक उनको खेलना है वो खेल सकते हैं. आगे पहले भी अच्छा किया, उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही करेंगे. ओवरऑल सीजन तो देखिए माही भाई तो है ही बेस्ट, बाकी वो इसीलिए तो कैप्टन कूल है क्योंकि सबका इम्प्रूवमेंट ऐसा करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं प्लेयर्स को कि गेम आखिरी तक फाइनल तक 10 बार लेके आए हैं. वो तो बेस्ट है, तो उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते. सी ही हैज़ बीन अ बेस्ट कैप्टन टिल डेट फॉर इंडिया इन एनी एंड इवन इन IPL. IPL में भी देखो ना मोस्टली मैच 11th टाइम ही दे हैव गॉन टू द फाइनल. यस, तो धोनी का जो करिश्मा है चाहे वो खुद स्कोर करे ना करे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसकी कैप्टेंसी और उसकी अभी भी लाजवाब है. विकेट कीपिंग अभी भी उसके जैसा कोई नहीं है. एज ए फैन तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल वो खेलें, कम से कम 1-2 साल तो और खेलें जब तक उनकी जो है ना फिजिकल और ये सब रिफ्लेक्सेस जो हैं स्टिल दे आर बेटर देन मैनी अदर्स जो आज के विकेट कीपर है. और कैप्टेंसी में तो फिर भी नेचुरली अगर ओल्ड भी हो जाता तो कैप्टेंसी में दिमाग तो चलेगा चलेगा. यस ही विल नॉट बी एबल टू स्कोर रन, तो उनको 8th-9th डाउन पे आना चाहिए. बैटिंग में अलग बात है कि जरूरत पड़ी ना पाई, बट ही शुड प्ले. मेरा तो मानना ये है कि वो अभी कम से कम 2-3 साल उनको और खेलना चाहिए. बिल्कुल, आई थिंक अगर वो एक और ट्रॉफी लेके आते हैं तो इससे अच्छा फेयरवेल मेरे हिसाब से उनके लिए नहीं हो सकता. देन ही मे कंसीडर गिविंग अप प्लेइंग इन IPL, बट दिस इज़ जस्ट माई ओन पर्सनल ओपिनियन. लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है CSK के लिए और धोनी के लिए भी. नहीं देखो, अगर छोड़ें ये उनके मन पे, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, लोगों को प्रेशर नहीं डालना चाहिए. एक्चुअली ना हमारी इंडियन पब्लिक जो है और इवन कई मैनेजमेंट तो प्रेशर डाल देते हैं कि जी आपकी एज हो गई. एज इज़ नथिंग रिलेट, इट इज़ द एटीट्यूड. एटीट्यूड है प्लस उनका अगर माइंड है, इन दो से गेम खेली जाती है ना कि खाली एज से. एज में 26 साल वाली वो रोज तो आप देखो जसप्रीत बुमराह हर IPL के बाद या कभी भी वो चोटिल ही रहता है. धोनी कभी चोटिल रहा आज तक 11 साल में? आज तक कभी चोटिल की वजह से नहीं धोनी आउट हुआ. वो तो घुटने के दर्द में खेल रहा है. तो फिटनेस अच्छी है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, सो देन ही शुड कंटिन्यू प्लेइंग टिल हिज बॉडी और हिज माइंड अलाउस. बिल्कुल, मेरे हिसाब से धोनी को पूरा का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब IPL से पहले इंडियन क्रिकेट टीम के वो कैप्टन थे तो ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस बल्कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस लेके चलते थे. और वो भी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस होती थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाट धोनी का रहता था, भले ही वो बॉलर को एडजस्ट करना हो, फील्डर्स को एडजस्ट करना हो या खुद की विकेट कीपिंग हो. सो आई थिंक डेफिनेटली उन्हें क्रेडिट को मिलना चाहिए. बिल्कुल यार, मेरे को तो ऐसे लगता है एज ए पर्सनल आई एम CSK फैन और धोनी का तो बहुत बड़ा फैन है, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी की फिटनेस और ये सब को देखते हुए कि उसको उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, एक सीजन और खेलना चाहिए. और मैं तो चाहूँगा कि और खेलें आगे पर्सनली, पर अभी जैसे फिटनेस चल रही है उनकी, बाकी उनका पर्सनल भी वो कैसे डिपेंडेंट, 8-9 महीने के बाद उनका बोन क्या है, कैसी फिटनेस है, उस पर डिपेंड. हाँ क्यों नहीं, जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं. धोनी के पास अभी सब कुछ है जो एक कैप्टन के पास, एक अच्छी टीम के पास होना चाहिए. आई गेस के वो आराम से जीतेंगे इस बार.